हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीटरूट जूस की रेसिपी। ये जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक गाजर, एक बीटरूट, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और आधा नींबू। तो सबसे पहले यहाँ पे बीटरूट और गाजर के छिलके निकाल लेंगे, फिर उन्हें बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। बीटरूट और गाजर का ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को शरीर में खून की कमी हो गई है तो आप गाजर और चुकंदर का जूस अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ही यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा अदरक डालने से वो गले में तीखापन आ जाता है। गाजर और बीटरूट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बीटरूट में मिलने वाला आयरन और फोलेट ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जबकि गाजर में मौजूद विटामिन ए स्किन और आँखों के लिए अच्छा होता है। इस जूस को रोज़ पीने से आपकी त्वचा की रंगत में धीरे धीरे निखार आने लगेगा। गाजर और चुकंदर शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे शरीर अंदर से साफ होता है और त्वचा पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इस जूस में कैलोरीज बहुत कम होती है तो आपको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। ये जूस आपकी स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पेट की दिक्कतों को कम करने के साथ साथ पाचन को बढ़ाने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। चुकंदर से भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन बी प्राप्त किया जा सकता है। बीटरूट में मौजूद बीटाइन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के ठीक करने में मदद करता है और इससे लीवर के काम करने की क्षमता भी बेहतर होती है। इस बारीक कटे हुए गाजर और बीटरूट को मिक्सी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा ताजगी के लिए मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते का यूज कर सकते हो। आप अपने पसंद के हिसाब से एक एप्पल या आंवला भी कट करके ऐड कर सकते हो। अब इस मिक्सचर को हम छन्नी से छान लेंगे। गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ रोशनी को तेज करने और आंखों की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। आजकल हम ज़्यादा देर तक मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी आंखें ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में इस जूस का सेवन करना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का रस, जिससे इसका स्वाद बढ़ेगा और हमें पीने में अच्छा लगेगा। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा चटपटा आ जाए। कुछ लोगों को पीने में ये कड़वा लग सकता है, तो आप चाहो तो मिक्सी में ग्राइंड करते समय शक्कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस 5 ही मिनट में ये जूस बनके तैयार हो जाता है। दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी भतीजी है जो पूरे टाइम आगे पीछे घूम रही थी, क्योंकि उसे ये जूस पीना था। इसे तो ये जूस पसंद आया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।